अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुनीबुर रहमान और वेलकम टू माय चैनल। एक और वीडियो के साथ मैं यहाँ अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसका नाम है मिसलिनियस प्रोसेसेस फिजिको केमिकल प्रोसेसेस में। तो रिसेंटली मैंने आपको एक्साइटेशन, इग्निशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, कैल्सिनेशन, एड्सॉर्प्शन पिछले लेक्चर में पढ़ाया। उससे पिछले लेक्चर में इफ्लोरेसेंस, डीक्लुसेंस, लायोफिलाइजेशन और इलोट्राइजेशन। आज मैंने आपको पढ़ाना है डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन और सेंट्रीफिकेशन। आई होप ये 15 मिनट्स के अंदर मैं सारा कवर कर लूँगा। सो इंट्रो हो गया, अब मैं चलता हूँ अपने प्रोसेस की तरफ जिसका नाम है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इज अ सेपरेटिंग टेक्निक, ठीक है ना। डिकेंटेशन इज सिमिलर टू इल्यूट्राइजेशन। इल्यूट्राइजेशन सेडिमेंटेशन का यूज़ करता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड्स के अंदर हम अपने जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज और सेडिमेंटेशन रेट। डिकेंटेशन भी बिल्कुल ऐसी है लेकिन उसके अंदर एक कंप्लीट सेपरेशन होती है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। जो डिकेंटेशन प्रोसेस है इसके अंदर लिक्विड सेपरेट होता है फ्रॉम अ सॉलिड। द सॉलिड इज अलाउड टू सेटल। सॉलिड बीइंग डेंसर वो क्या होगा, वो अलाउड टू सेटल होगा विद टाइम ड्यू टू डेंसिटी, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि जो लिक्विड होगा वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और सॉलिड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम यूजली क्या करते हैं, एक ऐसा करके एपरेटस लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि जिस चीज़ को हमने सेपरेट करना है, जिस लिक्विड को, उसको हम ऐसे करके 45 डिग्री पे रख देते हैं। समझे, मैंने फ्लास्क रखा है, ठीक है ना, फ्लास्क कह रहा हूँ, सॉरी टेस्ट ट्यूब रखी है, और इसके अंदर मैंने लिक्विड जो है मेरा वो यहाँ तक लिक्विड और जो सेडिमेंट हो रहा है वो सॉलिड इस तरह प्रेसिपिटेट यहाँ जमा हो गए ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गई मेरी डिकेंटेशन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंजेक्शन लूँगा, कोई सिरिंज लूँगा, उस सिरिंज से इसको पोर करना स्टार्ट कर दूँगा या सिंपली पोर करना स्टार्ट कर दूँगा और फिल्टर कर दूँगा, फिल्टर आउट मेरा सॉलिड हो जाएगा और लिक्विड अलग हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डिकेंटेशन। सेपरेटिंग टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है, यूज़ ऑफ सेडिमेंटेशन और ग्रेविटी, सिंपल सी टेक्निक है, टर्म्स है, बस देखें सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, डेली लाइफ में ग्लास है, ठीक है, और मैंने उसके अंदर पानी डाला और शुगर डाल लिया। शुगर को अभी मैंने हिलाया नहीं, मिक्स नहीं किया, वो प्रेसिपिटेट है अंदर। तो मैं क्या करूँगा, शुगर को और वाटर को अलग करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पोर्ड ऑफ कर दूंगा। ये जो मैं पोर्ड ऑफ करके लिक्विड अलग कर रहा हूँ, सॉलिड अलग कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अगला प्रोसेस है मेरा इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन से पहले मैं ना, ये देखें, ये इवेपोरेशन है 12th, लेकिन इवेपोरेशन से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा वेपराइजेशन, ठीक है। सिलेबस में इवेपोरेशन पहले, लेकिन मैं आपको वेपराइजेशन पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेपराइजेशन एक टर्म है, ठीक है ना, ये कोई जनरल, कोई इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना या प्रोसेस नहीं है, ये एक टर्म है, इसका यूज़ किया जाता है। क्यों, जिस तरह कंडेंसेशन का, सब्लिमेशन का यूज़ किया जाता है, वेपराइजेशन का यूज़ किया जाता है। वेपराइजेशन इज द फेस चेंज फिनोमेना। फेस चेंज किसके दरमियान, लिक्विड टू गैस फेस, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, एक लिक्विड है, पानी है, वो अपनी गैसी स्टेट वेपर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सिंपली वेपराइजेशन है। मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर कोई हीट यूज़ हो रही है या सरफेस एरिया को ज़्यादा किया हुआ मैंने या मैंने प्रेशर को रिड्यूस किया हुआ, कुछ भी मेंशन नहीं किया, बस द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन आगे दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें एक है बॉइलिंग और जिसमें एक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैं आपको बताता हूँ, बॉइलिंग अभी मैं आपको यहाँ इसी पेज पर बता देता हूँ। जो बॉइलिंग होती है वो क्या होता है, आप सबको पता है डेली लाइफ में हम बॉइल करते हैं वाटर को, मिल्क को करते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग, असल में बॉइलिंग वर्ड बॉइलिंग पॉइंट से निकला है, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करना और फिर जाकर इवेपोरेशन का अमल होना, फिर जाकर वेपोराइजेशन का अमल होना, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग। सिंपल द बॉइलिंग ऑफ मिल्क वाटर, ठीक है। 100 पे जाकर वाटर बॉइल होता है और तब जाकर वो टोटली वेपराइज होना स्टार्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग, विच इज द टाइप ऑफ वेपराइजेशन। अब मैं वेपोरेशन की तरफ चलता हूँ। सो हमने वेपराइजेशन कर लिया जिसकी टाइप है इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन इज द टाइप ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ऑफ अ लिक्विड दैट अकर्स ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड। वहाँ पर वेपराइजेशन में मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सर्फेस पे हो रही है, सर्फेस के अंदर हो रही है, सर्फेस के बाहर हो रही है, टेम्परेचर से हो रही है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि ओनली ऑन द सर्फेस या एट द सर्फेस। एग्जाम्पल मैं इसकी ये लेता हूँ, ये एक मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर मैंने वाटर रखा हुआ है, ये वाटर है। अब ये वाटर की जो सर्फेस है ना, ये जो इसके ऊपर पार्टिकल है, ये जब अपनी गैसियस स्टेट में जाएंगे तो इसको कहेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ वाले जो पार्टिकल है जो बिलो द सर्फेस है, उनकी मैंने बात नहीं की, क्योंकि उनको वेपराइज करने के लिए हमें हायर काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, वो है हीट, और हमें हीट देनी नहीं, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो हीट देने के बगैर वाला फिनोमेना है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस है। इवेपोरेशन की सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो हम कपड़े जो सुखाते हैं, दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। हम कौन सा उसमें हीट दे रहे हैं, नहीं ना, हम सिंपली सनलाइट में उसको रखते हैं, हल्की फुल्की सी वार्म एयर उसको मिलती है, सरफेस एरिया लार्जर मिलता है। इसके फैक्टर्स भी हैं, सरफेस एरिया हो गया फैक्टर्स, नीचे लिखा हुआ है एजिटेशन, मिक्स करने से लिक्विड को ज़्यादा हो जाता है वेपराइजेशन रेट, इवेपोरेशन। वेपर प्रेशर की चेंजिंग से भी इवेपोरेशन पे चेंज आता है, टेम्परेचर से ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली इवेपोरेशन इज द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सोल्यूशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हम बॉइलिंग पॉइंट
जरूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन में, यह है कि बॉइलिंग पॉइंट हम देंगे ही नहीं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे जितने भी सर्फेस के ऊपर वाले पार्टिकल है वो उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे एट द बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फिर जाकर वेपराइजेशन या बॉइलिंग का अमल होता है। तो ये बॉइलिंग के अमल से पहले वाला जो प्रोसेस है ना, ये वो है जिसके अंदर सिर्फ सर्फेस के पार्टिकल्स हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी स्लो, जाहिर सी बात है स्लो प्रोसेस होगा, हम यहाँ पर हीट नहीं दे रहे, ठीक है। इवेपोरेशन इन इंडस्ट्रियल स्टेट इज डन इंडस्ट्रीज डन इन इवेपोरेटर्स। इवेपोरेटर्स आर द अप्रेटिसज जिसके अंदर इंडस्ट्रियल स्केल पे इवेपोरेशन होती है। तो उन अप्रेटिस को मैं बारी बारी आपको बताता हूँ। स्मॉल स्केल इवेपोरेटर्स, स्मॉल स्केल इवेपोरेटर्स जो होते हैं वो स्मॉल स्केल लैब स्केल पे होते हैं, ठीक है। विच यूज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, जिनके अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स को हम यूज करते हैं, इवेपोरेट करते हैं इन प्रोकेलिन और ग्लास डिश, ठीक है ना। पोरासिलीन, सॉरी प्रोकेलिन नहीं है, पोरासिलीन, पोरासिलीन मटेरियल है, ठीक है ना, जिसके अंदर रखते हैं ग्लास डिश चाइना डिश, उनके अंदर मटेरियल्स को रखते हैं, उनको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं और वो खुद ब खुद अपने वाटर्स को इवेपोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लार्ज स्केल इवेपोरेटर्स में दो तरह के इवेपोरेटर्स आते हैं जिसके अंदर इवेपोरेटिंग पैंस और इवेपोरेटिंग स्टिल्स आ गए। पैंस से जाहिर है जिस तरह फ्राई पैंस होते हैं वो उनका सर्फेस एरिया कितना ज़्यादा होता है, तो पैंस भी इसमें यही है। लार्ज स्केल लिक्विड आर इवेपोरेटेड इन द इवेपोरेटिंग लार्ज ओपन पैंस, बहुत ज़्यादा ओपन वास्ट किस्म के पैंस होते हैं उनको इवेपोरेटिंग पैंस कहते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। दीज पैंस आर हेमीसफेरिकल, हेमीसफेरिकल होते हैं और शैलो होते हैं, खोखले से होते हैं, मेड अप ऑफ कॉपर स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम इनका मटेरियल। इवेपोरेटिंग स्टील्स जो होते हैं वो भी इस तरह ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्टिलर लगा होता है, एक पिलर टाइप लगा होता है, सिमिलर टू पैन होता है लेकिन कंसिस्ट ऑफ वेजल होता है, पिलर सा होता है ऐसे, ये समझे। अगर ये स्टिल है तो यहाँ पर ऐसे करके फनल टाइप मैंने लगाया हुआ है कलेक्ट करने के लिए, द कलेक्टर जिसे कहते हैं, वो कलेक्ट कर देता है ताकि बाद में कंडेंसेशन के अमल से उसको वापस प्यूरीफाई कर लिया जाए। तो ये यूज इन लार्ज स्केल होता है। अब जैसे जैसे कि मैंने वेपराइजेशन आपको पढ़ा दिया था, मैं सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाता हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पहले भी मैंने बहुत बार इस टर्म से हाउ नाउ दिलवाई हुई कि सेंट्रीफ्यूगेशन होती क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकला है और यहाँ हम इंडस्ट्रीज में सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी लिक्विड सिस्टम को, लिक्विड सिस्टम से मुराद यहाँ मैं सस्पेंशन, सोल्यूशन, इमल्शन, कोलाइडल, जितने भी लिक्विड सिस्टम है उनको मैं उनकी लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो इसकी मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ, इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स और सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। दो बातें, लिक्विड के अंदर जो लिक्विड है, जिस तरह मैं सस्पेंशन की बात करूँ, सॉरी सस्पेंशन कह रहा हूँ इमल्शन की, तो उसमें दो लिक्विड्स होते हैं ऑयल एंड वाटर, वो दोनों आपस में जो होते हैं वो इस तरह से इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ मिलकर इस तरह से वो स्टेबल होते हैं कि वो हमें पता नहीं चल रहा होता कि वो अलग अलग फेजेस में, यानी जब हम उनकी सेंट्रीफिकेशन करवाएंगे, जब उनको हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, इमल्शन हमारा ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने से क्या मुराद है, ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी और वाटर की लेयर नीचे, तो इस तरह हम इमल्शन को वापस उसके कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन भी होगी। अब दूसरी बात की गई है कि सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर से अलग करना, सॉलिड्स पार्टिकल अंदर, जिस तरह सस्पेंशन के केस में सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं इमर्स्ड होते हैं थ्रू आउट यूनिफॉर्मली, तो उनको किस तरह अलग करना है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल अपरेटस होते हैं, उनके अंदर रोटेट करवाते हैं अपने फ्लूड्स को, और वो फ्लूड्स को जब रोटेट करवाएंगे वो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो डेंसर पार्टिकल होंगे वो सबसे नीचे आ जाएंगे और लेस डेंसर जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते रहेंगे। तो इसको हम अगर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देखें, सॉरी, तो इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन जो है, जिस तरह एंजाइम्स को मुख्तलिफ उनकी डेंसिटीज के बेस पे सेपरेट करना, प्रोटीन्स को सेपरेट करना, ठीक है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है माइक्रोबायोलॉजी में, जो साइटोप्लाज्म है उसकी स्टडी में हम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को अलग करते हैं ऑर्गेनेल्स को। तो यह जो जितना भी अमल है ये सारा सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। आज का मेरा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि लास्ट लेक्चर होगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, फिजिको केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें मिसलिनियस प्रोसेस में आपको पढ़ा रहा हूँ, और वो लास्ट होगा डेसिकेशन, टाइचुरेशन और लेविगेशन। तो कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो वो आपने पूछना ज़रूर। आज के लिए इतना ही, जजाकल्लाह।